तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। तो इस कारण से क्या होता है, ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो होते हैं एडोलेसेंस स्टेज में, यानी किशोरावस्था स्टेज में। किशोरावस्था की स्टेज में किशोरावस्था किशोरावस्था स्टेज में हो क्या होता क्या है कि वो बच्चा अमूर्त रूप से सोचने लगता है, वो बच्चा अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है माय डियर बच्चों, तो फोर्थ इज राइट आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव बिलो इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास 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 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चों विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है वो पैर से सिर की ओर डेवलपमेंट होता है उसका, किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट फॉलो हुआ टो टू हेड यानी पैर से सिर की ओर होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसको हमने कंप्लीट करा। अब इस प्रकार से क्योंकि विकास जो होता है केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है, ऐसा नहीं होता पैर से सिर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द प्राइमरी केस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज चिल्ड्रन इज, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या हो सकता है। तो केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण नहीं, ये नहीं होगा, केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका नहीं, ये भी नहीं है, अनुवांशिकता व पर्यावरण कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया होती है, तब उसके बीच क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ओके बच्चों, यानी ओनली द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ये भी नहीं होता है, इस कारण से थर्ड इज राइट आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट, आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। सोशलाइजेशन इज अ समाजीकरण क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण क्या है। तो सोशलाइजेशन एक बात करें अगर माय डियर स्टूडेंट, तो रैखिक व निश्चित प्रक्रिया है, यानी लिनियर एंड फिक्स प्रोसेस नहीं, ऐसा नहीं है, सरल एकायामी प्रक्रिया है, नहीं सिंपल है, ये इंजीनियर डायमेंशनल है। ये क्वेश्चन एक बार मैंने रिपीट करवा दे दिया है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड में देखते हैं जटिल व बहुआयामी, ये देखिए मल्टी डायमेंशनल होता है, जो डेवलपमेंट होता है उस सोशलाइजेशन में, समाजीकरण जो होता है उसमें समाजीकरण का में विकास होता है बच्चे का बहुआयामी होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस में होता है। राइट, तो थर्ड इज राइट आंसर, तो फोर्थ इज गलत होगा, इस प्रकार से ये हुआ माय डियर बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजे सजेस्टेड दैट, जीन प्याजे क्या सजेस्ट करता है, जीन प्याजे क्या सजेस्ट करता है माय डियर बच्चों। तो जीन प्याजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं, ये भी बताया है। और भाषा विकास को सुसाध्य करती है, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से क्या होता है, मात्रात्मक रूप से कम होता है। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है, बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय ना समझ होते हैं, ये गलत है। जीन पियाजे ने बताया था कि जब बच्चे बड़ों से जो होते हैं अलग सोचते हैं और सीखते भी हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स इंडिविजुअल डिफरेंस उनके अंदर होता है, इस कारण से वो क्या होता है अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, कौन सा युग्म है जो आपको मिलाना है। देखिए इन्फेंसी 6 से 11 साल का होता है, इन्फेंसी 6 से 11 ये गलत है, नहीं होता है, माध्यमिक बाल्य अवस्था 2 से 6 नहीं, ये भी नहीं होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक ये सही है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 साल से अधिक में होती है ये बताना है। राइट, ये होता है, तो इस प्रकार से थर्ड इज राइट आंसर, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 वर्ष से ज्यादा होता है। राइट, इस प्रकार से थर्ड इज राइट आंसर बट फोर्थ इज रॉन्ग होगी। आते हैं अगला क्वेश्चन है, अ मेजर
क्रिटिक्यू ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज दैट, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सी प्रमुख आलोचना करी है, बहुत बड़ा आलोचना करी है उसने, क्या करा? तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है ये बताना है। तो देखना है कि यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है, नॉट सेटिस्फाई स्टेट, ये गलत है इस प्रकार से। सेकंड में यह नैतिक सोच हुआ सांस्कृतिक कारकों और लिंगों के प्रभाव की अवहेलना करता है, ये सही है। देखिए क्या होता है, कोलबर्ग ने सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना के बारे करता है ये बताया है नैतिक सोच पर, इस प्रकार से सेकंड इज राइट आंसर होगा। इट डिसग्रेड द इफेक्ट ऑफ कल्चरल फोकल फैक्टर एंड जेंडर ऑफ मोरल थिंकिंग होता है, ठीक है, सेकंड इज राइट आंसर होगा डियर बच्चों। ओके क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, लेव वाइगोत्स्की बिलीव्ड दैट, लेव वाइगोत्स्की का मानना क्या है? लेव वाइगोत्स्की का मानना यह है कि चिल्ड्रन पैसिव रिप्रोड्यूसिव द व्हाट इज रिप्रेजेंटेड, तुम नहीं ये नहीं है, यानी बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। तो ये होता है कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग बाय सपोर्ट फ्रॉम एडल्ट। देखिए जो बच्चे होते हैं बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, ये सही है। लेव वाइगोत्स्की ने यही बताया है कि बच्चे जो होते हैं बड़ों के साथ मिल करके खुद समझते हैं बड़े क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से सेकंड इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9th बोला है कि इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में लेव वाइगोत्स्की हैव गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू साइकोलॉजिकल टूल्स सच। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में खाली स्थान जैसा मनोवैज्ञानिक प्रणों को बहुत महत्व दिया, किसका, भाषा का, कैलेंडर का, कैलकुलेटर का, मोबाइल का। इसमें देखिए भाषा के का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि वो हर एक बच्चे को इंडिविजुअल रूप से उसको दिखाए और इस प्रकार से वो उसको इम्पोर्टेंस के साथ अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अप्लाई करे, इस प्रकार से इसमें लैंग्वेज होगा, ठीक। ओके आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन अ पैसिव क्लासरूम प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में बात कर रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होगी। तो माय डियर बच्चों प्रगतिशील कक्षा के लिए देखिए होता क्या कि लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट तो नहीं देना, इस प्रकार से गलत हो गया, पनिशमेंट नेगेटिव वर्ड है। चिल्ड्रन आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट वॉच एंड मेड टू फॉलो रिजिड करिकुलम यानी सख्ती से निगरानी नहीं करना उसको, ये भी गलत हो गया, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का ये फैक्टर रॉन्ग है। द अप्रोच ऑफ ड्रिल एंड रिपीटेड प्रैक्टिस इन फॉलो दिस इनेबल लर्निंग, देखिए इसमें क्या करवाना है कि सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन और अभ्यास की विधि का पालन करना है, तो ये भी रॉन्ग होगा, ये नहीं कराना, वेधन और विधि का उपयोग नहीं कराना है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4th है डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर प्रगतिशील बच्चा है क्लासरूम है, अगर प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो उसके अंदर डिस्कशन होना चाहिए, तब उसके बीच बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है, बहुत अच्छा वो सीख सकता है माय डियर बच्चों, इस प्रकार से 4th इज राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन 11 कि इंडिविजुअल हु डिमोन्स्ट्रेट, यानी कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। तो देखिए कौन से बुद्धि का प्रदर्शन करेगा बच्चा, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानेगा, ओके भावनाओं के बारे में जानेगा और अपने गुणों को पहचानेगा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं कि अंतर्गणितीय बुद्धिमत्ता नहीं, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि नहीं। देखिए ये जो होता है अपनी भावनाओं के बारे में डिस्कशन करता है तो वहां बात करना है इंटरपर्सनल की बात कर रहा है, इंटरपर्सनल की बात कर रहा है, इस प्रकार से 3rd इज राइट आंसर होगा, अंतर वैयक्तिक बुद्धि इसके अंदर है इसलिए वो अपने गुणों को पहचान रहा है, अपनी भावनाओं को दिख रहा है, ठीक है माय डियर बच्चों। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स बाय टीचर्स हेल्प टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन इन चिल्ड्रेन, तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद पक्षपात कम करने में मदद करेगा, कौन सा व्यवहार बिहेवियर।
कक्षा में केवल लड़कों की भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना, ये इसको देखना है। इस प्रकार से खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना ही नहीं, ये भी गलत है। देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना, यह भी गलत है। सभी जेंडर में सहायता एवं सहानुभूति के गुण विकसित करना, ये होना चाहिए। फोर्थ इज राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हिच प्रोग्रेस व्हिच पर्सपेक्टिव कंसीडर्स लैंग्वेज टू बी एन इम्पोर्टेंट टूल दैट फैसिलिटेट्स कॉग्निशन। तो कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है, तो बताना है आपको कौन सा। तो इस प्रकार से बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी, इंफॉर्मेशन प्रोग्रेसिव, सूचना संक्रमण, सोशल कल्चर। देखिए ये जो सोशियो कल्चर की बात करिए ना, यानी जो भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण जो है सोशियो कल्चर, यानी सामाजिक सांस्कृतिक के बीच गहरा संबंध होता है। ओके माय डियर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 होगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति नहीं है। ठीक है, तो कौन सी रणनीति नहीं है ये देखना, एक मिनट में आ रहा चलिए स्टार्ट करें। कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है, बताना है बच्चों। देखिए तो फाइंडिंग आउट ऑफ द स्टूडेंट सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कल्चरल स्टूडेंट छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना। ठीक है, इसके बाद अडेप्टिंग पेडागोजी एज पर द स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड्स, छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमि के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, गलत है, ये भी गलत है। प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स दैट मीनिंगफुल टू ऑल स्टूडेंट, ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, तो ये भी गलत है। निर्देशों के मानक सेटों का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना, देखिए ये क्योंकि ये तीनों हमारे जो तीनों ऑप्शन सही हैं, बट इसके अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग हमने गलत लिखा, बट हम इसमें इसको चेंज कर देते हैं तो ऐसा होगा कि तीनों सही है बट इसमें अनदेखा करना ये रॉन्ग है, इस कारण से इसकी रणनीति हमारी गलत मानी जाएगी। ओके, तो चौथा हमारा रॉन्ग आंसर है, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड करेक्टराइज्ड असेसमेंट फॉर अ मीनिंगफुल लर्निंग, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेटिव क्वांटिटेटिव। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि हालांकि एनसीईआरटी ने क्या करा कि इसको एक एक माना, बट होते इसका देखिए क्या कहूँ, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो मीनिंगफुल लर्निंग है आकलन की विशेषता यह होनी चाहिए कि वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, इसके साथ साथ व्यापक हो, कॉम्प्रहेंसिव हो, फॉर्मेटिव हो, ये दोनों हो, बट ये फर्स्ट है जो ना इसको नहीं मानेंगे क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव और फॉर्मेटिव दोनों होने चाहिए ये बताया गया, तो इसमें सेकंड और थर्ड दोनों आंसर होंगे। ठीक है, क्योंकि व्यापक और रचनात्मक दोनों आंसर सही है इसके। 15 के बाद 16, इंक्लूसिव एजुकेशन इन्वॉल्व्स, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, क्या शामिल है। तो समावेशी शिक्षा में माय डियर बच्चों देखते हैं कि बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, ये सही है। योग्यता के आधार पर बच्चों का पृथक्करण नहीं या नहीं होना चाहिए, बच्चों की पहचान का उनका उपयुक्त नवीकरण ये भी नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकीय अनुभवों और शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन ये होना चाहिए, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ इज राइट आंसर, बट देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ही सही होगा, यानी इस प्रकार से हमारा फर्स्ट सही होगा आंसर। ओके, आते हैं अगला क्वेश्चन है, व्हिच व्हाइल इंटरेक्टिंग विद अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अ टीचर शुड नॉट,
छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? अगर हम डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे हैं, छात्र के साथ बात कर रहे हैं, तो एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए? नहीं, अपने ये हालांकि ये बहस करना है, बट इसके प्रस्पेक्टिव हम गलत मान रहे हैं, ठीक है। अपने स्वयं के पूर्वग्रहों को रूढ़ियों पर चिंतन, ये भी सही है। एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करना चाहिए, ये भी सही है। एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करना चाहिए, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन नहीं करना चाहिए, ये हमारा वैसे गलत आंसर है। ऐसा नहीं होता। एक समान पाठ्यक्रम व्याख्यान पद्धति को एक मात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में अपनाना, यह है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज राइट आंसर, बट तीसरा क्या है उसमें बोला गया कि एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन को नहीं करना है, इसमें सभी को लेना, राइट। इस प्रकार से ये हुआ। 18 क्वेश्चन है कि बोला है कि असर्शन रीजन में एक टीचर है शुड मेक अ प्रोवाइड प्रोविजंस सच अ गिवन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ टाइम फॉर रिटन टेस्ट एंड प्रोवाइड प्रोविजनिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स अदर देन बुक्स टू सपोर्ट चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया। पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के लिए, बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है, इस प्रकार से बताया गया। ये तो सही है, ये हमारा असर्शन सही है, लेकिन इसका जो आर जो रीजन है बहुत अच्छे से व्याख्या कर रहा है, इस कारण से फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, आते हैं अगला क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू ऐड स्टूडेंट इन वर्जन। तो कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? हेडफोन, नहीं। चित्र आधारित वर्कशीट, ये नहीं। पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली होनी चाहिए, ब्रेल सिस्टम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। इस प्रकार से थर्ड इज राइट आंसर, 19वां हमारा सही हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइपिकल इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिव। कौन से रचनात्मक, निम्नलिखित में से कौन से रचनात्मकता के लिए के विशेष संकेत कौन से हैं? यानी ये चारों में से बताना है कि विशेष संकेत यानी टाइपिकली इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी रचनात्मकता के लिए विशेष संकेत कौन कौन से हैं? जिज्ञासा, देखिए बताना है आपको कि कौन सा सही है। जिज्ञासा ये भी होना चाहिए, स्वतंत्रता ये भी होना चाहिए, अनुकूलनशीलता ये भी होना चाहिए, और इसके बाद उच्च स्तर की एकाग्रता ये भी होना चाहिए, बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, ये जरूरी नहीं है। आप बारंबार अभ्यास यानी रचनात्मकता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए विशेष संकेत जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुकूलनशीलता और उच्च स्तर की एकाग्रता, ये सभी है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट आंसर, इस प्रकार से ये हुआ सही। ओके माय डियर बच्चों, आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है, देखिए अभिकथन यानी असर्शन और तर्क के बारे में बोला गया है कि फॉर इफेक्टिव लर्निंग ओनली द टीचर्स शुड आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम एंड नॉट द चिल्ड्रन। एक प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, न कि बच्चों को, ये बताया गया। तो रीजन क्या कह रहा है कि बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं, निष्क्रिय रूप से अर्थपूर्ण सीखते हैं। तो देखिए प्रभावी अधिगम के लिए टीचर शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न बस नहीं पूछना चाहिए, न कि बच्चों को, मतलब टीचर बस यह प्रश्न न पूछे, दोनों प्रश्न पूछे, इसमें ये ना लिखा है। इस कारण से ये असर्शन हमारा रंग हुआ, बच्चों का निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं होता, निष्क्रिय रूप से नहीं सीखते। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है हमारे आंसर। ओके माय डियर बच्चों, आई बात समझ में? ओके चले, ओके आते हैं अगला क्वेश्चन 22। टीचर शुड प्रोवाइड
adequate and appropriate of scaffolding to student as and when needed. तो बताया गया कि टीचर को एक शिक्षक को विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उचित उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए. ये भी सही है, हाँ ठीक है. लेकिन सीखना एक सहयोगात्मक शिक्षा, ये भी सही है और उसका बहुत अच्छा इसका आंसर है. तो इस प्रकार से फर्स्ट इज राइट आंसर होगा हमारा. अगला क्वेश्चन है, हाउ शुड टीचर्स व्यू फेलियर ऑफ स्टूडेंट इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम. शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूल कक्षा में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए, किस प्रकार देखना चाहिए. बच्चों की कम योग्यता का प्रतिबंधन, ये गलत. शिक्षकों की कम योग्यता का प्रतिबंधन, ये भी गलत. माता पिता की कम योग्यता, इसको भी नहीं देखना. स्कूली तंत्र को कार्यशीलता का प्रतिबिंबन होना चाहिए. इस प्रकार से फोर्थ इज राइट आंसर. 24 है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम होना चाहिए. सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम लर्निंग कैसा होना चाहिए. तो इसके लिए निष्क्रिय और व्यक्तिगत नहीं, निष्क्रिय नहीं होना. सक्रिय और व्यक्तिगत ये भी नहीं, सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए. सक्रिय और सामाजिक, एक्टिव एंड सोशल होना चाहिए. इस प्रकार से फर्स्ट थर्ड इज राइट आंसर. अगला 25 क्वेश्चन है, खालिस्तान में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. ये बोला गया भाई बच्चों. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्यात्मक स्थिरता कलन विधि, साधन लक्ष्य विश्लेषण ये होना चाहिए. मीन्स एंड एनालिसिस होना चाहिए. इस प्रकार से मीन्स एंड एनालिसिस MEA. ओके, साधन लक्ष्य विश्लेषण में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्य में विभाजित किया जाता है. अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है कि टीचर शुड डिसरिगार्ड द मेंटल वेल बीइंग एंड इमोशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन. तो शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए. ये भी सही है. लेकिन देखते हैं, शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए. तो इस कारण से उपेक्षा नहीं करनी है किसी बच्चे की, उपेक्षा नहीं करनी है. अकादमिक अधिगम बच्चे का संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता है. इस प्रकार से हमारा ये भी सही है, गलत हो गया. तो कह सकते हैं फोर्थ इज राइट आंसर. माय डियर बच्चों, इस प्रकार से ये हमने आज क्वेश्चन को सॉल्व करा. बस हो गया इतना ही. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू. जय हिंद.